जय हिंद दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी पेट के इस विजेता बैच में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों हम लोग प्रतिशत पढ़ रहे हैं। प्रतिशत के अंतर्गत हम लोग जनरल प्रतिशत खत्म कर चुके हैं और उसी के अंतर्गत हम लोगों ने लाभ और हानि कल खत्म किया। आज एक छोटा सा टॉपिक है डिस्काउंट, उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो डिस्काउंट को पढ़ने से पहले थोड़ी सी बातें कर लेते हैं कि डिस्काउंट होता क्या है और क्यों दी जाती है। डिस्काउंट की अगर बेसिकली बात करें तो जब कोई मैन्युफैक्चर या कोई कंपनी किसी भी प्रोडक्ट को बनाती है, तो मान लेते हैं यदि उस पर 100 रुपया खर्चा आता है, 100 रुपये का खर्चा उस वस्तु को बनाने पे अगर आ जाता है, तो कंपनी क्या करती है, इस खर्चे में उस टैक्स जो सरकार को देना होता है, ठीक है, टैक्स प्लस उसका एक्सपेंस खर्चा, मतलब कंपनी से निकलने के बाद रिटेल दुकानों तक पहुंचने में जितना भी एक्सपेंस होता है उसको जोड़ देता है, ठीक है, लगभग में, और उसमें वो जो दुकानदार का प्रॉफिट होता है, ठीक है, उसको भी जोड़ के क्या कर देता है, उसको भी जोड़ के एक एमआरपी तय करता है, ठीक, एक एमआरपी तय करता है जिसे कहा जाता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस, ठीक है, एक एमआरपी तय करता है जो हर वस्तु के पैकेट पर लिखा होता है, ठीक है। और इससे क्या होता है, इसको इससे जो ग्राहक होते हैं इससे उनको भी सुविधा होती है एमआरपी से, क्योंकि उनको इस एमआरपी से ज़्यादा पैसा कभी भी दुकानदार को नहीं देना होता, ठीक है। तो एमआरपी दोनों तरीके से बेनिफिट का होता है कि एमआरपी में इतना पैसा लिखा जाता है कि जिससे कि एक दुकानदार को घाटा ना हो, तथा ही उस एमआरपी की वजह से एक ग्राहक भी ज़्यादा ठगा ना जाए। तो जो मैन्युफैक्चरर होता है, जो दुकान जो माल तैयार करता है, तो वह माल तैयार करने के बाद माल तैयार करने में जितनी लागत लगती है प्लस कितना टैक्स लगा है और प्लस उसका एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में जितना भाड़ा लगता है या कितने माध्यम से जाता है, उस सबको जोड़ के तथा उसमें वो दुकानदार की प्रॉफिट जोड़ के क्या तय कर देता है, एमआरपी, ठीक है। अब एमआरपी तय हो जाने के बाद बात आती है डिस्काउंट की, ठीक है। डिस्काउंट जो होता है वह इसी प्रॉफिट पर दिया जाता है, ठीक, डिस्काउंट जो होता है वह इसी प्रॉफिट पर दिया जाता है। अब दुकानदार क्या करता है, मान लेते हैं कि 100 रुपए की कोई वस्तु थी, 100 रुपए की वस्तु पे एमआरपी थी 140 रुपए, ठीक है, 140 रुपए क्या थी, एमआरपी थी। अब दुकानदार क्या करेगा, दुकानदार को मान लेते हैं कि उसे अपनी सेल बढ़ानी है, तो अपनी सेल बढ़ानी है तो इसी एमआरपी पे वह कुछ परसेंट की छूट देगा। जैसे मान लेते हैं वह इस एमआरपी पे 20% की छूट देगा, तो -20% इसी से हो जाएगा, ठीक है। जब 20% की छूट होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहक आएंगे और इसको खरीदेंगे, तो ये सोच के दुकानदार क्या करते हैं, एमआरपी पर छूट देते हैं। इसी को एमआरपी या अंकित मूल, मार्केट प्राइस भी कह देते हैं, ठीक, अंकित मूल्य भी कह दिया जाता है, अंकित मूल्य, ठीक है, अंकित मूल्य भी कहा जाता है, क्योंकि जब जो बड़े बड़े माल होते हैं उसमें जो माल का ओनर होता है वह खुद ही मूल अंकित कर देता है प्रोडक्ट पे और उसी पर क्या करता है, छूट देता है 50%, 100%, ठीक है। 100% छूट देने का मतलब वो कर्मिक छूट देता है, मान लेते हैं एक छूट उसने दे दिया 50% का, फिर उसके बाद लिख देता है प्लस 25% प्लस 25%, ठीक है, इस प्रकार करके वो क्या कर देता है, आपको 100% की छूट दे देगा। तो इस प्रकार के छूट दे के वो क्या करता है, अपनी जो सेलिंग होता है उसको बढ़ाता है। लोगों को लगता है कि अरे 100% की छूट है बस, तो फ्री में मिलनी चाहिए, लेकिन नहीं, कर्मिक छूट में आपको 100% मिलने के बाद भी आपको बस तो फ्री में नहीं मिलती, ठीक है। तो ये क्या होता है कि अब जो अंकित मूल्य होता है, ठीक है, जो मार्केट प्राइस होती है उसी पर छूट दिया जाता है। 140 रुपये का सामान हो गया, मान लीजिए इसकी मार्केट प्राइस जो थी 140 अंकित कर दी गई, अब इसमें 20% की छूट दी गई, कहने का मतलब इस वस्तु को अब कितने में बेचा जाएगा, 80% पर, तो 140 का हम लोग 80 निकाल लेंगे, गुणे 80/100 ये काटेंगे, दोनों जीरो कट जाएंगे, और 14 का 8 में गुणा कर देंगे तो हमारा आएगा 112 रुपये, ठीक। कहने का मतलब 140 रुपये की जो वस्तु थी वो कितने में हमें बिकेगी, 112 रुपये में हमें मिलेगी। तो ये है हमारा छूट का फार्मूला। अब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे
और एक एक क्वेश्चन को हल करेंगे, उसी के साथ क्या होगा हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते चले जाएंगे। हमारा पहला प्रश्न है कि एक दुकानदार वस्तु के अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से 30% अधिक मूल्य अंकित करता है। कि एक दुकानदार है, ठीक है, जो वस्तु का जो अंकित मूल्य है, ठीक, वो क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है, ठीक है, जितने में उस दुकानदार ने वस्तु को खरीदा था उससे क्या कर देता है, 30% अधिक अंकित कर देता है। मान लेते हैं कि दुकानदार ने वस्तु को 100 रुपये में खरीदा था, तो उस पर अंकित कर, ये 100 रुपये था, ये दुकानदार का क्या था, ये क्रय मूल्य था, ठीक है, ये क्रय मूल्य था, क्रय मूल्य था किसका, दुकानदार का। दुकानदार का ये क्या था, क्रय मूल्य। इसने क्या किया, इस पे 30% दाम बढ़ा के लिख दिया, मतलब 30%, तो 30% अगर 100 में बढ़ाना तो सीधे सीधे 30 ऐड कर देंगे, 130 रुपये इसने क्या कर दिया, उसका अंकित मूल्य कर दिया, ठीक है, अंकित मूल्य क्या कर दिया, 130 रुपये, और अंकित मूल्य पर 10 रुपये छूट प्रदान कर दी। अब उसने क्या कहा कि इस वस्तु पे 10% की छूट, तो 10% की छूट का मतलब ये वस्तु कितने बिकेगी, 90% पे बिकेगी, तो 130 का अगर हम 90% निकालेंगे तो 130 गुणे 90 बटा 100, तो इसको काटेंगे 0 0 कट जाएगा, 13 9 117 होता है। कहने का मतलब 10 बिकेगी कितने में, 117 रुपये में, तो 100 रुपये की वस्तु थी, 30 रुपया दाम बढ़ाएगी, 130 रुपये की होगी, 10% छूट दिया गया, तो कहने में 117 बिक रही है। तो पूछ रहा है पूरे व्यापार में कितने प्रतिशत का लाभ होगा, तो 100 से 117 हुआ है, तो 100 से 117 हुआ तो सीधे सीधे हम कह देंगे 100 से जितना ज्यादा बढ़ा उतना प्रतिशत का लाभ होगा, 17% का लाभ, ठीक। यदि हम इस तरह निकालना चाहते इस तरह निकालेंगे, नहीं तो इसके लिए क्या है, एक फार्मूला है। फार्मूला क्या है कि वृद्ध मतलब लाभ या हानि, ठीक है, लाभ या हानि प्रतिशत बराबर लाभ या हानि प्रतिशत बराबर हमारा हो जाएगा प्लस एक्स माइनस डी, ठीक, माइनस एफ डी बाई 100, ठीक। इस फार्मूले पे हम रखेंगे, ये फार्मूला हम बहुत पहले से यूज करते आ रहे हैं, प्रतिशत में भी यूज किया था। इस फार्मूले पे रख के क्या करेंगे, हम इस वस्तु में व्यापार में कितना लाभ या हानि हो रहा है उसको निकालेंगे। यहाँ पे यक्ष हमारा क्या है, यक्ष जो है वो वस्तु का अंकित मूल्य है, यक्ष क्या है, अंकित मूल्य, और डी हमारा क्या है, ये है छूट, ठीक है। अंकित मूल्य हमने क्या माना है, नहीं एक मिनट, सॉरी गलती हो गई थोड़ी सी, यक्ष जो है वो है कि जितना प्रतिशत दाम बढ़ा के लिखा गया, ठीक है, यक्ष क्या है हमारा, जितना प्रतिशत दाम बढ़ा के, जितना प्रतिशत क्रय मूल्य पे जितना अधिक अंकित मूल्य बढ़ाया गया, ठीक है, अंकित मूल्य में वृद्धि, ठीक है, ये अंकित मूल्य नहीं, अंकित मूल्य में प्रतिशत वृद्धि, ठीक, तो यहां कितना दिया है, क्रय मूल्य से 30% बढ़ा दिया गया है, तो 30 यहां पे रखेंगे हम 30, और फिर छूट कितना दिया गया, छूट को माइनस में 10 कर देंगे, फिर उसके बाद आ जाएगा हमारा माइनस का 30 गुणे 10 बटा 100, इसको हल करेंगे 0 0 कट जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, 30 में से 10 जाएगा 20 आएगा, और 20 में से फिर 3 घटाएंगे आ जाएगा हमारा 17%, ठीक। तो 17% का फिर भी क्या हो जाएगा इस पूरे व्यापार में, इसको लाभ हो जाएगा। इस प्रश्न को एक बार और देखते हैं, जैसा कि प्रश्न में कहा गया कि एक दुकानदार वस्तु के अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से 30% अधिक मूल्य पर अंकित करता है। एक दुकानदार है जिसके पास जो वस्तु है उस पे 30% दाम बढ़ा के लिखता है, ठीक है, जितने में खरीद के लाया था, मान लेते हैं वस्तु को उसने लाया था कितने में, 100 रुपये में, 100 रुपये में खरीद के लेके आया था, ठीक है, यह वस्तु का क्या था, क्रय मूल्य था, 100 रुपया वस्तु का क्रय मूल्य था, लेकिन दुकानदार ने क्या किया, इस पे मूल्य अंकित किया कितना, 30% बढ़ा के, मतलब 30% हमने कर दिया, कहने का मतलब 130 रुपया उसने क्या किया, अंकित किया, ये हो गया हमारा अंकित मूल्य।
अब उसने क्या किया, इस अंकित मूल्य पर 10% छूट देकर वस्तु को बेच दिया, तो व्यापार में कितना लाभ या हानि हुआ। तब 130% पे 10%, 130 रुपए पे 10% का छूट देने का मतलब वस्तु बिकी कितने, 90% पे, गुणे 90/100 कर देंगे, 0 0 काटेंगे, 13 9 117। कहने का मतलब वस्तु जो बिकी है 117 रुपए में, लेकिन वस्तु का ओरिजिनल में क्रय मूल्य कितना था, वो था 100 रुपए में। कितना अधिक है, 17 रुपए अधिक है, तो 100 से 17 रुपए अधिक है, तो यही हो जाएगा 17% की वृद्धि। ठीक है, तो 17% का लाभ उस व्यापार में हो गया। तो इसको यदि हम एक फार्मूले से हल करते हैं, तो फार्मूला हमारा क्या है, लाभ या हानि प्रतिशत बराबर लाभ या हानि प्रतिशत बराबर हमारा हो जाएगा प्लस यक्स माइनस डी माइनस यक्स डी बाई 100। ये हो जाता हमारा लाभ या हानि प्रतिशत। तो यक्स हमारा यहाँ क्या है कि जो क्रय मूल्य में जितना प्रतिशत दाम बढ़ाया गया, क्रय मूल्य में जितना प्रतिशत दाम बढ़ाया गया वो हमारा हो जाता है यक्स, जितनी छूट दी जाती है वो हमारा हो जाता है डिस्काउंट। तो कितना बढ़ाया गया, 30%, तो हो जाएगा प्लस का 30। छूट कितनी दी गई, 10% की, तो हो जाएगा माइनस का 10। माइनस 30 गुणे 10 यहां हो गया बटे में 100, 2 0 कट जाएंगे इसके, 10 30 में से 10 जाएगा हमारा जाएगा 20, माइनस 3 बराबर हमारा हो जाएगा 17%। तो पूरे व्यापार में उसे क्या हुआ, 17% का लाभ हो गया, क्योंकि आंसर क्या आया, प्लस हो गया। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न है कि किसी वस्तु के अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से 20% बढ़ा दिया जाता है। ठीक, अंकित मूल्य को क्या किया गया, जो भी अंकित मूल्य था क्रय मूल्य से, क्रय मूल्य मान लेते हैं 100 रुपया था, तो अंकित मूल्य को क्या कर दिया गया, इसी से 20% बढ़ा दिया गया। ठीक है, 20% बढ़ा दिया गया, कहने का मतलब वस्तु हो गई 120 रुपए की, और उस पर कुछ छूट प्रदान कर दी जाती है, और पूरे व्यापार में 10% का लाभ हुआ। इस पर क्या होता है कि कुछ छूट प्रदान कर दी जाती है, मान लेते हैं यक्स परसेंट की क्या हुई छूट, यक्स ना लिख के यहाँ हम लिख देते हैं डी प्रतिशत की। ठीक है, यहाँ लिखते हैं हम लोग डी प्रतिशत की, क्योंकि डी फॉर्मूले में रखना है, डी प्रतिशत की छूट दी जाती है। ठीक, जिससे पूरे व्यापार में क्या होता है, 10% का लाभ होता है। यदि कोई वस्तु 100 रुपए की है और पूरे व्यापार में 10% का लाभ हो रहा है, तो वस्तु कितने में बिक रही है, 110 रुपए। ठीक है, तो ये डी प्रतिशत पूछ रहा है। इसको निकालने के लिए हमारा क्या है, वही पिछला वाला फार्मूला, चाहे तो इसको हल करके, ठीक है, इसको हल करके भी हम डिटेल में निकाल सकते हैं, नहीं तो हम अपना फार्मूला लगाएं, लाभ या हानि प्रतिशत बराबर, ठीक है, बराबर प्लस यक्स माइनस डी माइनस यक्स डी बाई 100। लाभ या हानि प्रतिशत दिया है, लाभ दिया है 10% का लाभ होता है पूरे व्यापार में। ठीक है, क्रय मूल्य फिर कितना बढ़ाया गया, 20%, तो प्लस का 20 रख देते हैं, डी का हमें पता था, माइनस का डी लिख देते हैं, प्लस माइनस का लिख देंगे 20 डी बाई 100। 20 से इसको काटेंगे, जाएगा 5 बार। ठीक है, इस 20 को इधर ले आएंगे, तो हो जाएगा माइनस का 20 माइनस का 20 प्लस का 10, हो जाएगा माइनस का 10। माइनस का 10 बराबर हो जाएगा हमारा माइनस डी। ठीक है, माइनस अगर कॉमन ले ले तो ब्रैकेट में हो जाएगा डी प्लस डी बाई 5। ठीक है, इसका एलसीएम निकाल के जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, और डी 5 बार जाएगा, 5d हो जाएगा प्लस डी। ठीक है, ये माइनस का बराबर माइनस 10। ठीक है, इसको और हल करेंगे, माइनस 10 बराबर हो जाएगा हमारा माइनस का 6d/5। ठीक, और माइनस से माइनस हमारा कट जाएगा, 10 और 5 के आपस में गुणा हो जाएगा, कहने का मतलब हमारा हो जाएगा 6d/50। सिक्स डी इजकल टू हमारा हो जाएगा 50, और d बराबर हो जाएगा 50/6। इसको हल करेंगे, जाएगा ये कितनी बार, 6 7 42 6 6 48, 8 सही 2/6।
या इसको और हल करेंगे तो 2 से जाएगा 3 बार, 1/3, कहने का मतलब हमारा आ जाएगा आंसर, ठीक है, छूट कितनी दी गई, 8 सही 1/3% की, ठीक है, कितनी छूट दी गई इस व्यापार में, 8 सही 1/3% की छूट दी गई, यही डी का मान है, ठीक। एक प्रश्न और देखते हैं हम लोग, अगला प्रश्न है, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने के बाद भी 10% का लाभ होता है, ज्ञात कीजिए उस वस्तु के अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत बढ़ाया गया है, ठीक है, तो इसको भी हम लोग उसी फॉर्मूले पर रखते हैं, लाभ या हानि प्रतिशत बराबर P/L, लाभ या हानि प्रतिशत बराबर हमारा था x माइनस डी माइनस x/100, ठीक है, तो यह है कि अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने पर 10% का लाभ होता है, ठीक है, अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने पर क्या होता है, 10% का लाभ होता है, तो ज्ञात कीजिए अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत बढ़ाया गया है, तो लाभ कितना होता है 10% का, ठीक है, 10% का लाभ होता है, कब, जब अंकित मूल्य पर 20% की छूट दी जाती है, तो लेकिन यहाँ छूट तो दिया है कि 20% की दी जा रही है, लेकिन एक्स का मान नहीं दिया, तो यहाँ पर एक्स रख दीजिए, माइनस एक्स गुणे 20/100, 20 से काटेंगे ये जाएगा 5 बार, ठीक है, ये माइनस का 20 इधर का आ जाएगा, प्लस के 20 हो जाएगा, तो 20 10 30 हो जाएगा, 30 बराबर हमारा हो जाएगा एक्स माइनस एक्स बाई 5, इसको हल करेंगे, यहाँ हो जाएगा 5, एक्स का एक यहाँ एक्स बाई 1 होता है, एक का 5 में गुणा जाएगा 5 बार, 5 गुणे एक्स हो जाएगा 5x, ठीक है, माइनस 5 एक के 5, एक का एक्स में गुणा करेंगे तो आ जाएगा एक्स, तो बराबर हो जाएगा 30 बराबर हमारा होगा 4x/5, ठीक है, 4x/5, तो 4x बराबर 3×5=15, 150, एक्स बराबर हो जाएगा हमारा 150/4, इसको हल करेंगे तो हमारा आ जाएगा 37 सही 1/2%, तो इस प्रकार हमने इस फार्मूले पर जितने भी प्रकार के प्रश्न बन सकते थे सबको हल किया, जैसे हमने ये भी निकाला प्रॉफिट या लॉस प्रतिशत एक में निकाला, दूसरे क्वेश्चन में हमने ये दे दिया था, ठीक, एक्स का मान दिया था, डी का मान नहीं दिया था उसको निकाला, और इस क्वेश्चन में क्या क्या, डी का मान दे दिया, इसका मान दे दिया और इसका भी मान हमने निकाला, इस प्रकार इस पे बनने वाले तीनों प्रश्नों को हम लोगों ने देख लिया। एक और प्रश्न देखते हैं कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 600 रुपये है और इसे 25%, 20% और 10% की कमी की छूट पर बेचा जाता है, ज्ञात कीजिए कोई ग्राहक इस वस्तु पर कितने रुपये में खरीदेगा, कहने का मतलब कोई वस्तु है जो 600 रुपये की थी उसे 3 क्रमिक छूटें दी जाती है, ठीक है, इस पर 3 क्रमिक छूटें दी जाती है, पहला 25% का, फिर 20% का, फिर 10% का, तो पूछ रहा है कि कोई ग्राहक इसे कितने रुपए में खरीदेगा। इसके लिए एक फार्मूला होता है कि ग्राहक का क्रय मूल्य, ठीक है, ग्राहक का क्रय मूल्य का क्रय मूल्य, या हम कहे दुकानदार का विक्रय मूल्य, ये दोनों क्या होता है, आपस में बराबर होता है, ठीक, ग्राहक का क्रय मूल्य या दुकानदार का विक्रय मूल्य, दुकानदार जितने में कोई वस्तु बेचता है वही तो ग्राहक खरीदता है, कहने का मतलब ये दोनों चीजें हमारी बराबर होती हैं, तो हम चाहे कहे सीपी क्या होता है, क्रय मूल्य, ये क्या होगा दुकानदार का ग्राहक का, या एसपी या सेलिंग प्राइस क्या होगा दुकानदार का, दोनों क्या होगा एक ही होगा, बराबर होता है जो अंकित मूल्य है, ठीक है, अंकित मूल्य, उसके बाद 100-D1 पहली छूट बाई 100, उसके बाद ब्रैकेट में 100-D2/100, अगला हो जाएगा 100-D3/100, ठीक है, इस प्रकार अगर एक छूट और दी जाएगी तो 100-D4 हो जाएगा,
इस फार्मूले पे रख के, ठीक है, इस फार्मूले पे रख के क्या करेंगे हम, उस वस्तु को कितने में खरीदा जाएगा, कितने में बेचा जाएगा, उसको निकालेंगे। यहाँ पे हमने क्या, क्यों ये दोनों रखा, क्योंकि कभी कभी कहा जाता है कि दुकानदार ने वस्तु को इतने रुपए में बेचा और ग्राहक को इतने इतने प्रतिशत की छूट मिल गई, तो बताइए कि ग्राहक ने कितने में खरीदा। तो हम लोग खोजते हैं क्या, ग्राहक ने ग्राहक का जो नहीं, ग्राहक का सीपी हम लोग खोजना होता है, एसपी दिया होता है, तो जो एसपी होता है, ठीक है, वही होता है उसका सीपी। तो प्रश्न में चाहे ग्राहक का क्रय मूल्य पूछे, चाहे दुकानदार का विक्रय मूल्य, ये दोनों क्या होता है, समान होता है, ठीक है। तो चाहे जो पूछे यही फार्मूला हमारा लगेगा। तो यहाँ प्रश्न में दिया गया है कि अंकित मूल्य कितना था वस्तु का, 600 रुपये। और फिर आगे हम फार्मूले पर रखते चले जाएंगे। अगला 100 माइनस D1 क्या था, 25%, 25/100। फिर दूसरे में रखेंगे 100 माइनस D2 क्या था, 20%, 100 माइनस 20/100। तीसरा था हमारा 100 माइनस D3 था, 10/100। इसको हल करेंगे, ये हो जाएगा बराबर 600 × 100 में से 25 जाएगा 75/100, ठीक है, 100 में से 20 जाएगा 80/100, और फिर 100 में से 10 जाएगा, हो जाएगा हमारा 90/100। इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, इधर से 0 0 काट देंगे, 80 का 0, 90 का 0 कट जाएगा। यहाँ से और हम काटेंगे तो 25 तिया हो जाएगा 75, 25 चौका हो जाएगा 100, 4 पे काटेंगे 4 जाएगा 2 बार, और यहाँ क्या कर देंगे 2 0 से 6 के 2 0 काट लेंगे। इसके बाद आपस में हम इसको गुणा करेंगे, 6 × 3 × 2 × 9, ठीक है, 6 × 3 = 18, 9 × 2 = 18, 18 × 18 = 18 हो जाएगा कितना, 324 रुपये। तो कहने का मतलब जो ग्राहक था उसने इस वस्तु को कितने में खरीदा, 324 रुपये में। हमारा इसका आंसर हो जाएगा कितना, 324 रुपये में। यही क्या है, ग्राहक की सीपी है और दुकानदार की एसपी, ठीक है, तो चाहे सीपी पूछे चाहे एसपी, हम दोनों इस प्रश्न से निकाल लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी के प्रश्न हम लोग कल हल करेंगे। जय हिंद, जय भारत।